नरसिंहगढ़ में मारुति नंदन दर्शन उपरांत 36 बजरंग दल के कार्यकर्ता बाबा बूढ़ा मन्नाथ चट्टानी यात्रा के लिए निकले। वे विभाग मंत्री कपिल शर्मा ने बताया कि पाकिस्तानी क्षेत्र से तीन ओर से घिरी सीमावर्ती पुंछ घाटी के उत्तरी भाग में पुंछ कस्बे से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बूढ़ा अमर मंदिर जम्मू स्थित पुंछ जिले के मंडी तहसील के राजपुर गाँव में स्थित है। अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती की जो अमर कथा सुनाई थी उसकी शुरुआत बूढ़ा अमरनाथ के स्थान से ही प्रारंभ की गई थी। इस स्थान का महत्व त्रेता युग से माना जाता है। 2005 से बजरंग दल ने बाबा बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी की यात्रा प्रारंभ की। तब से अब तक देश भर के कोने कोने से हिंदू समाज वहां दर्शन करने जाता है, हर हर महादेव और भारत माता की जय घोष के नारे लगाता है। स्थान स्थान पर वहां रहे हिंदू समाज द्वारा यात्रियों का स्वागत किया जाता है, उनसे संवाद होते हैं। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जिला सत्संग प्रमुख तेज सिंह सोलंकी, नगर अध्यक्ष सुरेश दांगी, नगर मंत्री दीपेंद्र राठौर, नगर बालोपसाना प्रमुख राजेंद्र तोमर, प्रिंस मीणा सहित अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा सभी यात्रियों का मंगल तिलक कर पुष्प वर्षा कर बजरंग दल का अंग वस्त्र भेंट कर कुशल यात्रा की शुभकामनाएं देते हुए विदाई की। उस समय भी देश भर में बजरंग दल ने देश भर के हिंदू समाज से आह्वान किया था। 50,000 की संख्या में युवा उस यात्रा में पहुंचे। तब से अब तक बाबा बर्फानी की यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। कश्मीर जिस प्रकार से कश्मीर से हिंदू विहीन आतंकवादी दहशतगर्दों की एक साजिश थी, उस प्रकार से पुंछ राजौरी मंडोर ये क्षेत्र से भी हिंदू पलायन करे ऐसे ही आतंकवादियों की साजिश थी। बजरंग दल ने वर्ष 2005 से ये यात्रा निरंतर रूप से चालू होती है और यहाँ से जो भी हमारे बजरंगी जाते हैं वो भोलेनाथ का जयकारा हर हर। पुंछ जिले के राजौरी सेक्टर में बाबा बूढ़ा अमरनाथ का मंदिर है और जैसे कि धार्मिक महत्व से देखा जाए तो महर्षि पुलत्स जो कि बाबा अमरनाथ जी के परम भक्त थे और हर वर्ष जो है अमरनाथ यात्रा पर जाया करते थे और उनका आश्रम वहीं पर था राजौरी सेक्टर के जिस जगह पर अभी बाबा चट्टानी है। जैसे जैसे समय बीतता गया आयु के अनुसार उनसे जाने में वो उन्हें परेशानी होने लगी तो उन्हें उसका बड़ा क्षोभ हुआ और उन्होंने जो है रोने लगे, रुदन करने लगे। तब बाबा अमरनाथ ने उन्हें वहाँ पर दर्शन दिए थे और उसी रूप में वहीं पर स्थापित भी हो गए थे कि मतलब आप जब तक जीवित हैं और जा नहीं पा रहे हैं तब तक उनके दर्शनार्थ हो वहाँ पर। एक धार्मिक महत्व के हिसाब से बहुत सुंदर और प्राकृतिक जगह है और पर्यटन के हिसाब से भी बहुत बढ़िया स्थान है और एक अगर अपन उसे सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो वहाँ पर हिंदू बहुत कम